और हम स्टार्ट करेंगे अपने चेस। ठीक है, बिकॉज़ बैकिंग एक ऐसा कांसेप्ट है जो बहुत ही ज्यादा क्लब और फंकी फील से बाहर निकल गया है, यू नो। सो उसके लिए आपका बॉडी में वो फंक और वो ग्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहां से आप अपनी चेस्ट को आगे करोगे, यू विल गो 1 and 2 3 and 4 going 5 and 6 and 7 and 8। एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। सो वी गो 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8। आई होप आपको ये पहली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम जाएंगे इसके दूसरे वेरिएशन की तरफ। अब इसको थ्रू आउट रखना है और हमारी हर चीज में जितने भी कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं हमारा ये ग्रूव फ्लेक्सिबल रहेगा। गॉट इट? चलो, सो अगला जो चीज हमें प्रैक्टिस करनी है वो है मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड। ठीक है, सो मूविंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी गो स्टेप एंड बैक। सो कोशिश करना कि चेस्ट बाहर करने के लिए 1 and back अगेन 2 and back 3 and back। आप थोड़ा हाथ को वेरिएट कर सकते हो अपने चारों तरफ को। एंड लेट्स डू। ठीक है, 5 6 7 go 1 back 2 back 3 back 4 back। got it? अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इन पूरी चीज को जो हमने अभी तक प्रैक्टिस किया है, और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने लाइंस किया था, तो इन सब चीज को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे कि कैसा लगता है। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम आउट बैक सिंपल। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4 बार करेंगे आउट बैक आउट बैक। चलो, मूविंग टुवर्ड्स योर राइट फर्स्ट 5 6 7 going up 8 out 8 out 8। ग्रूव को बरकरार रखो, out 8 out 8। got it? सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो, अभी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो हम करेंगे up in up in up in up in, और कोशिश करेंगे ग्रूव और मोशन को साथ में बनाएंगे। 5 6 7 towards your right, up down up down up down up down। very nice। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे टुवर्ड्स डाउन। सो एक वी बनाएंगे टुवर्ड्स डाउन साइड। चलो, 5 6 7 going 1 2 3 4 5 6 7 8। इजी है, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, सिर्फ आपको मेरे साथ फॉलो करते रहना है। ठीक है, अभी हम कॉम्बिनेशन को कोशिश करेंगे सबको एक साथ काम करेंगे, तो हमारा ग्रूव, हमारा मोशन और हमारी लाइंस एक साथ काम करेंगे। चलो, 5 6 7 outwards and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 going down 2 3 4। got it? yeah। अभी मैं फिर से आपको चीज बताऊंगा कि जो डायगोनल है वो सबका आगे पीछे हो सकता है, मतलब किसी का यहां हो सकता है, इतना रहेगा, बाकी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपका फील क्या है उसको रास्ते में। समझ में आया? इसको हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कैसे जाता है। 5 6 5 6 7 going out back out back out back out, going up down up down up down, going straight back straight back straight back straight, going down back down back down back down back। very nice, clap for yourself, very good। so ये बेसिकली बैकिंग में है ग्रूव्स करना। ठीक है, जिसको हमने लाइंस के साथ इंकॉर्पोरेट किया और थोड़ा मोशन बनाने की कोशिश करी। समझे आप? अब यहां से हम चलते हैं पोजिंग के लिए। ठीक है, अब पोजिंग में एक छोटा सा फैक्टर ऐड करते हैं। हम अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि फेस, अपर टॉर्सो यानी मेरे हाथ, चेस्ट, ये सब चीजें, एंड लेग्स। ठीक है, इन 3 चीजों को अलग-अलग वेरिएशन में बांटेंगे और फिर कोशिश करेंगे सबको साथ में लेंगे। ठीक है, सो पोजिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हो जाना है बहुत ड्रामेटिक। हिंदी मूवीज में ये ड्रामा, आपको ड्रामा बनना है। ठीक है, सो अभी सिर्फ इस चीज से ड्रामा करेंगे। ठीक है, अब इस चीज से ड्रामा कैसे करेंगे, आप अपने खुद के पोजेस बना सकते हो। मैं कोई ऑथेंटिक पोजेस नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, बट आपको सिर्फ समझा रहा हूं। So, pehla pose would be like this. 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, आप ऐसे करो, ठीक है। और इम्पैक्ट पर आते हैं हाथ और अच्छे तरीके से चलते हैं, तो आप उसको उसी तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं हमारे अपर टॉस में। अपर टॉस में आप कैसे करेंगे, आप करेंगे 1, सो आपकी पूरी बॉडी के एंगल्स को चलाओगे, आप करोगे 1, और अगर समझने के लिए आप उसको लेफ्ट साइड कर लो 2 और आप करो 3, ठीक है। 5, 6, 7, go, 1, 2 and 3, got it। उसके बाद आप और पोस्चर्स कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, जो भी आपको डिपेंड करता है आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लेग्स पे। अब लेग्स पे कैसे करना है, लेग्स पे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जस्ट इन केस आप जैज प्ले करो तो आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं पासिंग, ठीक है। सो हम पहला पासिंग कर लेते हैं। सो लेग्स पे यू गो पासिंग, आप इसी को पीछे स्लाइड करके यू कैन गो फोर टच, ठीक है, एंड गो आउट। वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स डू इट। 5, 6, 7, गो विद पासिंग, फोर स्टार्च एंड क्लैप एंड फोर। ये 4-4 स्टेप्स कर सकते हो, 3, 4, 5 के तरीके से, ठीक है। 5, 6, 7, गो विद 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। अभी आप कोशिश करेंगे अपने हेड, अपने टॉर्सो और अपने लेग्स को साथ में यूज करेंगे। लेट्स गो। 5, 6, 7, go in 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो इसको। मेरी बॉडी में उतना गर्ल लाइक नहीं लग गया है, ठीक है, बट आई एम श्योर अगर गर्ल्स इसको देख रही हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं डिफरेंट पोज। 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4 में आपसे नॉर्मल करते हैं, ठीक है। वंस अगेन 5, 6, 7, go in 1, 2, 3 and 4 में आप ऐसे आते हैं, ठीक है। अभी नाउ दिस विल बी जैज हाउस प्ले व्हाटएवर इज यू गाइस आर कंफर्टेबल, ठीक है। सो आप जिस तरीके से इस हाथ को घुमाना चाहते हो यू कैन हैव दैट फन, ठीक है। सो अभी आपको सारे कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। अब हम ट्राई करेंगे इन पोजेस को अलग-अलग तरीके से, ठीक है। सो आप रेडी हो मेरे साथ, एक बार फॉलो करना और जो भी कॉम्बिनेशन बनता है सो आई होप आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम क्यों करते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि वैकिंग 70s में गे क्लब्स में होता था, यू नो, और वो अपना एग्रेशन निकालते थे इसके थ्रू, यू नो, जो भी उनको हेटरेट मिलता था, जो भी उनको नेगेटिव वाइब्स मिलती थी, उसका हेटरेट निकालते थे। एंड बिकॉज ये सब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, यू नो, बहुत सारी कॉमिक्स से एंड बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड एरा के ऐसे ड्रामेटिक, यू नो, सीरियल से, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्टफुल इसमें डांस करना है, वेरी प्रोजेक्टिव स्टाइल, ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए आपकी बॉडी में, ठीक है। सो इसी के बारे में पैकिंग पूरा था। अगर ये सेक्शन आपको बहुत अमेजिंग लगा हो तो मेक श्योर यू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू इस चैनल, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने इस वीडियो पे डायरेक्टली लैंड किया है तो आप इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जरूर देखना, बिकॉज आपको बहुत हेल्प करेगा वहां से टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें, क्योंकि हमने पहले थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात किया, फिर लाइंस के बारे में बात किया, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी करना चाहते हो बैकिंग का, तो ऑल यू कैन डू इज आप हमारे कोर्स के लिए एनरोल कर लो, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है। आप इंडिया, वर्ल्ड कहीं पर भी बैठे हो, आप इस कोर्स को बहुत आराम से कर सकते हो। ऑल द जैज़ फन डांसर्स तुम्हें ये कैसे हेल्प करेगा? इट विल हेल्प यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे हिप हॉप डांसर्स को ये कैसे हेल्प करेगा? आपको आइसोलेशन बॉडी का समझ में आएगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल आप सबके लिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेना, और अगर कोई बहुत ही जनरिक डाउट है जो आप चाहते हो कि सबसे और भी पूछा जाए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। टिल देन मैं जा रहा हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा वीडियो बनाने के लिए। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो और मेक श्योर कि आप सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और आर्टिस्ट को हेल्प करो, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।